झरने को झरना बह रहा है और बीच में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर पानी पूरा, इतना पानी के छींटे आ रहे, मुंह में पूरा भीग भीग रहा हूँ। रोलेप में अनदर साइट सीन है, दैट इज कॉल्ड द बुद्धा फॉल्स। तो अभी बुद्धा फॉल्स के अंदर हम लोग जा रहे हैं, दिस इज द एंट्री ओवर हियर, हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये बुद्धा फॉल्स का एंट्री सीधा सीधा देखो जा रहा है पूरा नीचे। ये है पूरा एक ऑफबीट ट्रैवल डेस्टिनेशन, पूरा नीचे नीचे जा रहा है फॉल्स के पास। ये देख सकते हो फॉल यहाँ से दिखाई भी दे रहा है। तो अगर कोई ऑफबीट ट्रैवल कर रहे हो और ऐसे जगह पे नहीं आए तो क्या किया, कितना खतरनाक खूबसूरत जगह है। देखो भाई पूरे जंगल के बीच में ये बुद्धा फॉल्स है, और ये बुद्धा फॉल्स को एक्सप्लोर करने के लिए मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाना तो बहुत इजी है, पर उसके बाद जब ऊपर आने पड़ेगा, दैट इज़ वेरी मच चैलेंजिंग। जस्ट वाओ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये बुद्धा फॉल्स। रोलेप में रोलेप दो मेनली जगह है जहाँ पर आप टू साइड सीन्स, एक है रोलेप हैंगिंग ब्रिज और दूसरा ये बुद्धा फॉल्स। जस्ट लुक एट द ब्यूटी मैन, यहाँ ये जगह का ना बुद्धा फॉल्स की हुआ, गौतम बुद्ध आया था क्या यहाँ पर? चलो ये बुद्धा फॉल्स। ओ देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। चलो यार कहाँ से जाकर एक्सप्लोर करते हैं। क्या गजब लग रहा है भाई, गो क्या गजब लग रहा है। ये देखो पूरा झरना कैसे गिर रहा है यहाँ से और पानी पूरा बह रहा है, बहुत ही खूबसूरत है भाई। रोलेप को तो मिस नहीं करना, इससे कि मैं आ रहे हो तो दो दिन रखो रोलेप के लिए। किसका आवाज़ है ये? ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज से गाड़ी जा रहा है उसका ही आवाज़ है भाई। पानी इधर से छींटे आ रहा है, छींटे को पूरा भीगा भीगा जगह है। आई कैन फील इट, मेरे मुँह के ऊपर पानी आ रहा है भाई, क्या लग रहा है। अमेजिंग अमेजिंग, वाओ जस्ट वाओ। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिक्किम। सिक्किम लव यू। देखो इतना टूरिस्ट कम है यहाँ पर, पूरा वर्जिन है, ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, इसीलिए इसको ऑफबीट बोला जाता है भाई। थैंक्स टू प्रवीस जो हम लोग का ड्राइवर है। ओ, पानी का पूरा छींटे मेरे मुंह में आ रहा है, फीलिंग लाजवाब भाई। आज मेरे हाथ से टाइम नहीं है, लौटना भी है, एक घंटे सिर्फ दिया है, बट यहाँ पर आई कैन स्पेंड होल डे, यहाँ पर बैठकर आई कैन स्पेंड होल डे। तो चलो भाई कुछ शॉट देख लो, सिनेमेटिक शॉट। तो दोस्तों ऑलरेडी बीच में आ चुका हूँ, झरने को झरना बह रहा है और बीच में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर पानी पूरा, इतना पानी के छींटे आ रहे, मुँह में पूरा भीग भीग रहा हूँ, बट फीलिंग डैम एक्साइटेड ओवर हियर। सो भाई ऐसा मौका तो हर दिन नहीं मिलता है। इधर पे खड़े रहो, उधर पे खड़े रहो, अरे माय गुडनेस, गिर रहा था, पूरा गिर रहा था। फीलिंग ग्रेट यार, फीलिंग ग्रेट, पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है। देखो भाई ये पूरा फ्री एंट्री है, कोई अलग सा पैसा नहीं लगता है। रोलेप में आ जाओ, होम स्टे में रहो, ओके। आप पैदल पैदल घूम सकते हो यहाँ पर, आपको गाड़ी हमारी कुछ भी नहीं लगेगा। यू कैन गो ऑन, जस्ट वॉक करो, मूव करो, घूमो, क्योंकि ऐसा जगह भाई इंडिया में जी मिलता है फ्री में घूमने का, इतना बढ़िया सा मौका। सो फीलिंग अमेजिंग। Thank you.
बुद्धा फॉल्स को अभी गुड बाय करके जाने का टाइम है। जाने का तो दिल नहीं कर रहा है भाई। सो भाई रोल अप कैसे आना है, रोल अप को कैसे एक्सप्लोर करना है, पिछले पहले सभी वीडियो में मैंने एक्सप्लोर किया है। ओके, ये रोंगली बाजार के एकदम आसपास का ये इलाका है। सो गाइस, तो पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर किया। तो भाई आप भी आओ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो जाए रोल अप का ये बुद्धा फॉल्स और हैंगिंग ब्रिज का जो सीन मैंने कल दिखाया था वीडियो में। सो भाई फीलिंग फैंटास्टिक। चलो रोल अप को गुड बाय करके और बुद्धा फॉल्स गुड बाय करके अभी ऐसे मूव ऑन कर रहे हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।